कालका शहर में मटन 700 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचा और यह पहली बार हुआ है। कालका शहर में मटन पिछले 2.5 महीनों से बिकना बंद था क्योंकि लॉकडाउन में मार्केट बंद थी, लेकिन अब बिकना हुआ शुरू तो इसके रेट 700 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं, जो लोगों की पहुंच से बाहर है। वहीं लॉकडाउन में मटन के खरीदार भी बहुत कम हो गए हैं। कालका और पिंजौर शहर में लॉकडाउन में मटन 700 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचा, 2.5 महीने बाद दुकानों में बिकना हुआ शुरू। कालका शहर में बीते 2.5 महीनों तक मटन बिकना बंद हो गया था क्योंकि लॉकडाउन में जहां नॉनवेज की दुकानें बंद हो गई थी, जिसके बाद लॉकडाउन में मिली ढील के बाद सबसे पहले चिकन की दुकानें खुली थी, लेकिन मटन बिकना शुरू नहीं हुआ था। लोगों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि कहीं कोविड-19 के खतरे के चलते और लगे लॉकडाउन में नॉनवेज उनको नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन 2.5 महीनों के बाद मटन दोबारा बिकना शुरू हो गया है। दुकानदारों ने कहा कि पहले सीरत क्षेत्र से माल आना बंद हो गया था, अब फिर से शुरुआत हो गई है, लेकिन इस लॉकडाउन में मटन 700 रुपए प्रति किलोग्राम तक रेट पहुंच गया है, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। दुकानदारों ने कहा कि पीछे से माल महंगे दामों में मिल रहा है, जिसकी वजह से कालका में मटन 700 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन इन दिनों मटन के खरीदारों की संख्या काफी कम है, जबकि चिकन दुकानों में खूब बिक रहा है।